प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। यूरो कप के फाइनल में दो टीमों के नाम तय हो गए हैं। इंग्लैंड का मुकाबला इटली से फाइनल मैच में होगा। इसके पहले सेमीफाइनल में डेनमार्क के खिलाफ करीब 60,000 दर्शकों के सामने इंग्लैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अब 11 जुलाई की आधी रात को होने वाले फाइनल मुकाबले पर दुनिया भर की नजरें हैं। फाइनल मुकाबला लंदन के वेम्बले स्टेडियम में होगा। पिछले साल कोरोना संकट के बीच यूरो कप 2020 का आयोजन नहीं हो सका था। इसको देखते हुए इस साल उसी टूर्नामेंट को आयोजित कराया जा रहा है, लिहाजा इसका नाम यूरो कप 2020 है, मतलब यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020। इसे फुटबॉल का मिनी विश्व कप भी कहा जाता है। इसे जीतने वाली टीम को फीफा वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार भी माना जाता है। फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना इंग्लैंड के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। इंग्लैंड की टीम की जीत पर मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने बेहद खुशी जताई है। उनका मानना है कि इंग्लैंड की टीम फाइनल में जीत जाएगी, क्योंकि उनके खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। फाइनल में पहुंचने के बाद इंग्लैंड की फुटबॉल टीम खिताब से एक कदम दूर है। बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। इंग्लैंड की टीम का फाइनल में इटली से मुकाबला होने जा रहा है। इसके पहले इटली की टीम वेम्बली में शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में 1-1 से ड्रॉ खेला। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में इटली ने स्पेन को 4-2 से हरा दिया। इटली की टीम को भी फाइनल का टिकट मिल गया और टीम यूरो कप जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। इस साल के यूरो कप में इटली ऐसी टीम रही है जिसने हर मैच जीते हैं और उम्मीद फाइनल में भी जीत की है। दूसरी तरफ इंग्लैंड भी शानदार फॉर्म में है, तो इंतजार कीजिए 11 जुलाई की आधी रात को होने वाले हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले की। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।